हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को लट लंकार व लट लंकार को याद करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, इनमें से एक को याद कर लेना व दूसरा खुद में खुद याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं लट लंकार को याद कैसे करते हैं ना। देखो, यदि आपने इसको याद कर लिया तो नीचे वाला लट लंकार खुद याद हो जाएगा। देखना भाई, जो प्रथम पुरुष होता है ना, उसका एक वचन होता है, उसमें क्या आएगा, ती आएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि इन तीनों को आप याद कर लेते हो, कैसे करोगे भाई, यदि आप इसको 4-5 बार पढ़ते हो तो आपको खुद याद हो जाएगा। देखो, ती तै अंती है ना। अच्छा, इसके बाद मध्य पुरुष में क्या आएगा, सी थे, ठीक है। इसके बाद उत्तम पुरुष में क्या आएगा, आमी आओ आम, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है, लट लंकार में किसी भी शब्द में हलंत नहीं आता है ना। सिर्फ इसमें क्या आता है, इसमें इसमें विसर्ग आते हैं। कौन कौन से में, द्विवचन के तीनों शब्दों में आते हैं ना, और इसमें बहुवचन के उत्तम पुरुष में विसर्ग आता है, ठीक है। आपको ये विसर्ग जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में विसर्ग नहीं देता है तो आप उसको गलत कर देते हैं ना। जैसे ही आपको ये लट लंकार याद हो जाएगा तो उसके बाद ये लट लंकारे खुद में खुद याद हो जाएगा। कैसे भाई, जैसे मान लो आपने ये याद कर लेती है तो क्या करना है, लट लंकार में सिर्फ इस शब्द जोड़ना है ना, ऐसे ई से, ठीक है, इससे ये अंति हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लो इसके आगे इससे जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, इससे हो जाएगा ना। तो ऐसे सिर्फ इससे को आपको उसके साथ ही जोड़ना है। तो यानी एक लंकार को याद करने से दो लंकार आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखना, जो लट लंकार होता है इसमें भी कोई हलंत नहीं आता है, किसी भी प्रथम पुरुष में भी नहीं आता है, मध्य पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी, है ना, और इसमें भी विसर्ग ही आते हैं ना। तो यदि आप इन दोनों को याद करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल ट्रिक यही है। और दोस्तों ध्यान रखना, परीक्षा में हमें कई बार ट्रिकों से भी बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्ति हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा लोट लंकार व लड लंकार को कैसे याद करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।